जो भारत नौजवान क्रांति सभा गया जी, ये किस प्रकार का धरना आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है और कब तक जारी रहेगा? ये 2 दिवसीय मौन प्रदर्शन है, ये धरना है। और ये जो भारत सरकार द्वारा अध्यादेश आया हुआ है कृषि बिल को लेकर, उस बिल के खिलाफ हम किसानों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं कि पूरे उस पर विधेयक पे कर रहे हैं? आप जब 2 रुपए का बिस्कुट बना के MRP लिख देते हो, क्या लाखों रुपए का किसान अपना फसल उगा के उसका कोई प्राइस उसका नहीं होगा? उसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होना चाहिए? आप तरह तरीके के फाउंडेशन लगा रहे हो, ये फाउंडेशन कहाँ तक चलेगा? आप मुख्य रूप से मांग क्या करना चाहते हैं? बस ये बिल को किसी भी तरह से ये लागू नहीं होना चाहिए, इस बिल को सुधारा जाए और इस बिल को किसानों के समर्थन में लाया जाए। यदि सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आप लोग कौन से कदम उठाएंगे? हम लोग जैसे हम लोग अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वैसे ही हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन देंगे। और अगर जरूरत पड़ी भविष्य में तो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पर चलने का कार्य किया जाएगा।